हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यारे से और सुंदर से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स यूनिट 6 क्लास 12 के ऑप्टिक्स चैप्टर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और F का मतलब होता है फोकल डिस्टेंस। किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसकी फोकस डिस्टेंस के बीच क्या रिश्ता होता है, आज ही हम लोग देखेंगे कि चाचा भतीजा होता है या मामा भांजा होता है, जो भी होता है आज हम लोग इस पर रिश्ता फाइंड करेंगे क्या रिश्ता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको डायग्राम, जिस तरह मैंने बार बार बताया कि डायग्राम ही सब कुछ है, ठीक है, तो डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी सी है, ये इसकी सी हो जाती है और इसके मिडिल पे इसकी एफ हो जाती है, यहाँ ले लीजिए सी हो जाती है, यहाँ पे एफ हो जाती है। यहाँ से लेकर इसका ये पॉइंट पी ज्योमेट्रिकल सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर, और ये जो होती है ये होती है स्मॉल एफ, फोकल डिस्टेंस ये, ठीक है। तो हमको रिश्ता फाइंड करना है आर और एफ के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आप देखिए, कंसिडर कर लीजिए जो आपने देखा, क्या देखा, सबसे पहले तो आप देख लीजिए सी पी आर है, ठीक है। उसके बाद एफ पी क्या है, एफ है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो जाती है फोकल डिस्टेंस ये हो जाती है। ये जो होता है ये एक स्फेयर का पार्ट होता है, स्फेयर को कहीं से भी एक कट कर दिए तो जो भी एक हिस्सा बना वो क्या हो गई, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव पीछे साइड तो पेंट होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि एक, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम करेगा इसलिए आप इसको पहले ही लिख लेंगे, आप जानते होंगे ये सब सी पी जो है आर है और सी एफ जो है वो एफ पी जो है वो एफ है, ये सब, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए एक रे आई, सीधी आई कहाँ से पास करेगी, तो हम लोग जानते हैं कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। सीधी आई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है पास कर गई, ठीक है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर ये स्फेयर का, किसी भी पॉइंट पे आप यदि नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करते हैं। मान लीजिए एक स्फेयर का नॉर्मल पे हम किसी भी सरफेस किसी भी पॉइंट पे हम नॉर्मल खींचेंगे तो हमेशा सेंटर से पास करें। तो यदि हम यहाँ पे चाहें कि नॉर्मल खींचे तो ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगी, हमेशा इसकी सेंटर से, ठीक है, यहाँ से पास कर जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से डॉटेड ट्राइंगल के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि ये तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, और इसका नाम मैं दे देता हूँ एम, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिएगा कि ये जो है एक स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये स्फेयर का जो ये आर्क होगा, आर्क, ठीक है, ये बहुत ही कम रहेगा जो मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ, इसका मतलब समझिए ये एम और पी मतलब इसका कर्वेचर और उसका यहाँ से कर्वेचर और इसका ये लेंथ लगभग इक्वल होगा, मतलब एम और पी आपस में बहुत ही क्लोज होता है, इसलिए ये आर्क ए पी किसके बराबर हो जाएगा, इस ए एम की, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, एक एक करके, क्या आर्क पहले लिख देता हूँ मैं, क्या M एंड P आर वेरी क्लोज्ड, therefore आर्क आर्क
एपी को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइड एपी बोल सकते हैं, साइड एएम, ठीक है। ये आर किसका ये, और ये लगभग लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लगभग लगभग बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस क्यों किया, क्योंकि एफ की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा एफ से पी के बीच लिया जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम लोग जो जो भी कंसिडर करेंगे इस ट्राइंगल के बीच करेंगे, इसलिए हमको यहाँ ना लेके हमको ये लेना पड़ेगा। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये और ये आपस में बहुत ही क्लोज होती है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए करते हैं बहुत ही इजी। देखिए ये यदि मैं थीटा कंसिडर करता हूँ तो जितनी एंगल पे आती है, देखिए ये आई, ये आई, ध्यान से देखिएगा, ये रे आई थी और ये नॉर्मल खींचा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये देखिए रिफ्लेक्ट होके गई, और ये नॉर्मल के बीच जो भी एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि जितनी एंगल से आती है उतनी एंगल से वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये थीटा, ये थीटा टोटल क्या हो गया, टू थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगी, टू थीटा, थीटा थीटा, तो ये क्या बन जाएगी, टू थीटा, बस सिंपल सी बात है। देखिए बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ, ये तो नॉर्मल होगी, ठीक है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का काम आएगा एक, अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगी, थीटा, ध्यान समझिएगा, ये आई थी, ये नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ये गई और इसके बीच जो एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, तो ये टोटल बन गई टू थीटा, इसलिए एंगल इंटीरियर एंगल से एकांतर कोण से ये टोटल टू थीटा, तो ये भी बन गई टू थीटा, ये भी देखिए ये पैरेलल, ये थीटा, तो ये भी एंगल ऑफ इंटीरियर से ये भी थीटा हो गई, ठीक है। सबसे पहले इन राइट एंगल, इन राइट एंगल, इस पे ले लेता हूँ ए, ए एम सी, ए एम सी पे, बताइए टेन थीटा का यदि वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू ए एम, ए एम बाई सी एम, ए एम बाई सी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, ए एम बाई सी एम। अच्छा ये जो ए एम होगा, ए एम, ए एम, ठीक है, और ए एम और ए पी लगभग लगभग क्या होगी, इक्वल होगी, इसलिए एम एम जहाँ है हमने बताया है एम और पी बहुत क्लोज है, इसलिए जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ पी कर दीजिए, तो ए पी बाई सी एम की जगह सी पी, ये और ये बहुत क्लोज है इसीलिए। तो देखिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गई ए पी, ए पी क्या है, ए पी, ए पी रहने दीजिए ए पी को, ठीक है, ए पी को रहने दीजिए, और सी पी क्या है, सी पी, सी पी, सी पी आर है तो आर इसको लिख दीजिए, ठीक है, बस। और हम लोग जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए जो टेन थीटा होता है वो क्या बन जाती है, थीटा हो जाती है, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा बनती है, कॉस थीटा वन हो जाती है, और टेन थीटा भी थीटा बन जाती है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है ये जो टेन थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गई, ए पी बाई आर, ये इक्वेशन ए मान लीजिए आप, ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल पे चर्चा करते हैं, इस पे है ना, छोटे वाले पे, तो देखिए इन इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ए एफ पी, सॉरी ए एफ एम, या फिर बोल सकते हैं ए एम, ए एम एफ में, ए एम एफ में क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ए एम एफ में हम टेन टेन टू थीटा निकालते हैं, टू थीटा क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, टू थीटा है, तो यदि हम टू थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगी मेरी, ये टेन टू थीटा इक्वल टू हो जाएगी ए एम बाय एफ एम, है ना, ए एम बाय एफ एम, सिंपल सा, ए एम बाय एफ एम, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए एम क्या है, तो ए एम को रहने दीजिए, कुछ भी तो है नहीं, तो पहले तो आप ध्यान से देखिएगा, ए एम जहाँ है एम और पी बहुत क्लोज है, इसलिए हम ए एम को पहले से पहले क्या कर लेता हूँ, ए पी, और एफ को क्या कर लेता हूँ, एस एफ पी, ठीक है, एफ एम को एफ पी कर देता हूँ, क्योंकि स्मॉल है तो ये और ये कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ेगी, और ये आर के भी बड़ी फर्क नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, तो स्मॉल एंगल के लिए भी बताया था कि थीटा बन जाती है टू थीटा, स्मॉल एंगल
फोर ए स्मॉल एंगल। टेन थीटा क्या बनती है, हमेशा थीटा बन जाती है। इसका मतलब ये जो है टू थीटा इज इक्वल टू क्या बन गई, टू थीटा इज इक्वल टू बन गई ए पी बाई एफ पी। तो आप देखिए ध्यान से, टू थीटा का टू थीटा, ए पी क्या है, ए पी कुछ भी नहीं है, रहने दीजिए। एफ पी क्या है, एफ पी क्या है, एफ है डिवाइडेड बाय एफ, इस इक्वेशन बी मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या था, ए पी बाय आर, थीटा इज इक्वल टू ए पी बाय आर, और टू थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए पी बाय एफ। तो ये थीटा की जगह पे फ्रॉम ए एंड बी, देखिए थीटा की जगह पे हम ये बैठा सकते हैं, थीटा की जगह पे ए पी बाय आर। तो देखिए टू इंटू थीटा की जगह ए पी बाय आर, और उधर है ए पी बाय एफ, ये ए पी और एफ पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया टू एफ और यहाँ पे हो गया आर। इसका मतलब है आर इज इक्वल टू क्या आ गई, टू एफ, यही आ गया रिलेशन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। बस ये तो सिंपल सी बात है कि आर जो होगी वो एफ का डबल होगी, ट्वाइस होगी, और एफ जो होगी आर की वही आधी हो गई, ठीक है। तो ये था इसका रिश्ता दोनों के बीच, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात किया क्या, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरी इसी तरह सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।